हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। एंड आज गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट या बहुत सारी वेबसाइट्स, एक इंसान या बहुत सारे इंसान को एक्सपोज करने वाला हूँ एक ही साथ में। एंड गाइस एक्सपोज का मतलब है कि ये जो भी इंसान है, इधर ये एक पर्सनल अटैक हो या फिर एक ग्रुप अटैक हो, ये किसी भी तरीके से मेरे सिस्टम को, मेरे लैपटॉप को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। अब ये मेरे साथ कर रहा है या बाकी यूट्यूबर्स के साथ भी, आई डोंट नो, बट इतना पता है कि ये एक अटैक है जिसके थ्रू ये मेरे सिस्टम में एक ट्रोजन या कोई एक वायरस एग्जीक्यूट करवाना चाहता है मुझसे ही। और बहुत ही अच्छा एक इसने तरीका निकाला है, बहुत ही अच्छी सोशल इंजीनियरिंग स्किल यूज़ करी है, ये मैं मानूंगा कि इसकी सोशल इंजीनियरिंग स्किल काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज सबसे पहले मुझे एक मेल आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेल आती है 17th of November को। तो 17th of November को मेल आता है, पहला मेल जो मुझे आया था, और अभी भी मेल आ रहे हैं मुझे इसके अलग अलग मेल आईडी से। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ डिटेल में इस वीडियो को, वीडियो का एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें उनमें थोड़ी सी जो बोलते हैं ना कि अवेयरनेस हो इन चीज़ों के लेके, या कोई भी यूट्यूबर भी देखे तो उसको इस चीज़ की अवेयरनेस हो और वो गलती ना कर बैठे, अपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करा सके। क्योंकि सारे यूट्यूबर्स सिक्योरिटी फील्ड से नहीं है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड से नहीं है, तो उनको मे बी ये चीज़ समझ में ना आए। ठीक है गाइज, तो मुझे मेल आता है केविन स्मिथ का, ठीक है, लगता है कोई हॉलीवुड का एक्टर है। उसके बाद मुझे आता है, हेलो टेक्निकल नेविगेटर, माई नेम इज केविन स्मिथ, ठीक है, आई एम पीएम मैनेजर ऑफ एलिगिस टीम। ओ एलिगिस कोई नाम सुनी नहीं थी पहले। वी वॉन्ट टू प्रोवाइड पीपल विद द बेस्ट गेमिंग लेटेंसी स्ट्रीमिंग, फलाना ठिकाना जो भी है, ठीक है। एलिगिस टीम एम्स, यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, एलिगिस टीम्स एम्स टू प्रोवाइड यू विद द टॉप गेमिंग एक्सपीरियंस एंड हाई क्वालिटी कंटेंट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये बोलता है कि आपसे हमें एडवर्टीजमेंट करवानी है आपके चैनल पे, अपने इस सॉफ्टवेयर को लेके, और सक्सेसफुल पार्टनरशिप करना है। और ये मुझे बोल रहे हैं कि एक ऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे केक और मलाई ऑर्डर होता है, प्री रोल एडवर्टीजमेंट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर फ्रॉम यू मेक बिकॉज योर चैनल हैज़ गुड स्टैटिस्ट एंड योर वीडियोज़ आर वेल रिकॉर्डेड, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक प्रमोशन आया, जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स जो भी स्पॉन्सर्ड वीडियो आते हैं तो मेल आता है उनको, वैसे ही एक स्पॉन्सर्ड मेल था जो मुझे भी आते रहते हैं, काफ़ी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, काफ़ी रिजेक्ट करता हूँ, डिपेंड ऑन कि वो उनका जो प्रोग्राम है, उनका सॉफ्टवेयर, उनका जो वेबसाइट है, वो किस तरह से जेन्युइन भी है या सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने एज यूजल रिप्लाई किया इनको, ठीक है, जो मैं रिप्लाई जनरली करता हूँ, ठीक है। मैंने बोला, हेलो केविन, श्योरली वी कैन कोलेबोरेट, ये मैंने ये रिप्लाई रिस्पॉन्स दिया था, बट कैन यू प्लीज इलेबोरेट अबाउट योर सॉफ्टवेयर एंड सेंड मी द लिंक और अदर डिटेल्स अबाउट इट सो दैट आई कैन ओवरव्यू ऑफ योर सॉफ्टवेयर। तो ये मैं जनरली करता हूँ कि अपने साइट या सॉफ्टवेयर को बताइए, उसका लिंक दीजिए, ताकि मैं जान सकूँ कि ये कैसा सॉफ्टवेयर, कैसा वेबसाइट है, किस तरह से काम करता है, अच्छा है, जेन्युइन है, और कुछ यूजफुल है भी या फिर बस ऐसे ही आई हुई है। तो मैंने ये चीज़ उससे पूछा। उसके बाद मुझे इस महाशय का जो है एक रिप्लाई आता है, ग्रेट नितेश, सो आवर साइट इज elegis.su, ठीक है, ये साइट इसने भेजा। इस साइट को मैं पहले ओपन करता हूँ यहाँ पे, और ये साइट फिलहाल वर्किंग नहीं है, यानी ये मेल अभी जस्ट एक महीने पहले की बात है, एक महीने भी सही से नहीं हुआ अगर देखा जाए तो। और ये साइट फंक्शनल नहीं है, और इस साइट पे पहले एक पूरी वेबसाइट हुआ करती थी जो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैं भूल गया, और वे बैक आर्काइव मशीन पर भी इसका स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम रिसेंट बना हुआ था और ज़्यादा ओल्ड वेबसाइट नहीं था, ठीक है। तो ये वेबसाइट इसने क्या किया, मुझे सेंड किया कि इस वेबसाइट का आपको इस वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर मिलेगा, उस सॉफ्टवेयर को 20 से 30 सेकंड का एक वीडियो बनाना है सॉफ्टवेयर को लेके, जो कि ये गेमिंग सॉफ्टवेयर है, और उसके लिए मुझे ये जो है ये सारी बातें लिख रहे हैं, आप पढ़ लीजिए इसमें, कि आप मुझे वो वीडियो बना के मेगा गूगल ड्राइव लिंक सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद हम आपका पेमेंट प्रोसीड करेंगे। तो ये खुद इन्होंने बोला कि दे मतलब वो जो है मैं मुझे $150 पे करेंगे एक वीडियो का, और ये मुझे मल्टीपल वीडियो बनवाएंगे, ठीक है ना। तो एक वीडियो का मुझसे $150 ये मुझे देंगे, और उसके बाद इसने लिखा, नो मैटर हाउ मेनी व्यूज़ और लाइक्स वीडियो गेट्स, ठीक है, ये इसने लिखा। सबसे पहले जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी, नो मैटर हाउ मेनी व्यूज़ और लाइक्स वीडियो गेट्स, मेरा ध्यान यहाँ पे आया, और मुझे पहला जो शक हुआ, पहले जो मुझे शक हुआ, जो सबसे मेरा फर्स्ट शक था, वो मुझे इस लाइन पे हुआ। कोई भी कंपनी, कोई भी एडवर्टाइजिंग जो एडवर्टाइज़ करवाना चाहती है आपके थ्रू, अगर आप एक यूट्यूबर या एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, तो सबसे पहले वो देखती है कि आपके एक वीडियो से उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने उस वीडियो पे लाइक्स, व्यूज़, कितने इंगेजमेंट कितना हो रहा है, तभी वो आपको पैसा पे करता है। और ये मुझे वो सब ना होने के भी $150 दे रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है गाइस, बस वीडियो डाले $150 लो, है ना, ये जैकपॉट टाइप हुआ। तो यहाँ पे मुझे शक हुआ बहुत गहरा वाला। उसके बाद मैंने दूसरी लाइन जो पढ़ी, वी गॉट मेनी फीडबैक द विंडोज डिफेंडर करेंटली कॉल्स और ऐप इज वायरस एंड दे कैन नॉट डाउनलोड इट। ये बोलता है कि विंडोज डिफेंडर मेरे ऐप को, हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं करने देता, वायरस ट्रीट करता है, तो आप
प्लीज़ विंडोज डिफेंडर को डिसेबल कर दीजिए, और उसके बाद आप इस ऐप को इंस्टॉल करके इस पे एक वीडियो, स्पॉन्सर्ड वीडियो या फिर उसके एडवर्टाइजिंग वीडियो बना सकते हैं। तो ये बंदा कितना दिमाग वाला, देखो ये चाहे ग्रुप अटैक हो या पर्सनल अटैक हो, ये बंदा जो भी है, फॉरेनर हो या इंडियन हो, डजेंट मैटर, ये बंदा का सोशल इंजीनियरिंग स्किल अच्छा है, बट उसके लिए जिसको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, इसने मेरे को मेल किया। अब ये मुझसे ही मेरा विंडोज़ डिफेंडर भी बंद करवाना चाहता है, ठीक है, और मुझसे ही पेलोड भी डाउनलोड करवाना चाहता है जो इस वेबसाइट पे अवेलेबल थी, जो अब वेबसाइट काम ही नहीं कर रही। यानी कि अगर कोई गेमिंग वेबसाइट है जिस पे एक सॉफ्टवेयर चल रही है जिसका प्रमोशन के लिए मुझे मेल आएगा, जो एक कंपनी है, वो कंपनी एक महीने में अपनी वेबसाइट बंद कर देगी। और मैं आपको इसकी हु इज इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ इस वेबसाइट की, जो आई होप अभी अवेलेबल होगी। चलिए यहाँ पे हम इसका हुईज इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये देखिए, ओके, यहाँ पे रजिस्ट्रार इन्फो में है बिगेट SU, ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, स्प्रिंट होस्ट RU शायद जो भी है। उसके बाद यहाँ पे इसकी मेल आईडी ये रही, जो भी है। उसके बाद गाइस, इसका जो मेन चीज़ है वो कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन डेट क्रिएट कब किया गया था, ये देखिए क्रिएट कब किया गया था, ये क्रिएशन डेट है। यानी कि ये जो डेट क्रिएट हुई है वो नवंबर में ही क्रिएट हुई है, ये 11th मंथ, ये नवंबर में ही क्रिएट हुई है 12 तारीख को। और इसने मुझे जो पहला मेल किया था वो मैंने आपको दिखाया कि जो ये हमारी बातें हो रही है वो 17 नवंबर के आसपास, यानी कि उसके बाद ही बातें हो रही है, ठीक है। यानी ये वेबसाइट बनाने के कुछ दिन के बाद ही मुझे इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है और उसको व्यूज़ और लाइक से कोई मतलब नहीं है, और मुझसे एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है। तो मेरा जो यहाँ शक था वो बिल्कुल सही था, और मुझे ये शक जो है यकीन बदलने में टाइम नहीं लगा जब मैंने इसका हुईज इन्फॉर्मेशन चेक किया और मैंने रिवर्स चेक मारा। तो यहाँ पे पहला जो शक वाला चीज़ था, पहला जो मेल था वो ये था। मैंने इसको क्या रिप्लाई किया, हेलो केविन, द सॉफ्टवेयर setup.exe, जो कि एक सॉफ्टवेयर setup.exe, जब मैं इस वेबसाइट पे आ रहा था तो यहाँ पे आ रहा था स्टार्ट नाउ। जैसे ही मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर रहा था, सीधा एक setup.exe फाइल डाउनलोड हो रही थी, जो मेरे जितने भी भाइयों हैं जो यहाँ पे पेलोड्स बनाते हैं, ट्रोजन्स बनाते हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि setup.exe एक डिफॉल्ट वायरस ट्रोजन क्रिएट होती है अगर आप मेटास्प्लॉइट्स ऐसी कोई पेलोड बनाते हैं या कोई भी टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है। इन्होंने बस उसी को डिस्कॉर्ड के सर्वर पे अपलोड करके उसका लिंक डाल दिया था और उसको डाउनलोड करवा रहे थे, और वो भी कुछ KB की, मतलब एक सॉफ्टवेयर है गेमिंग की, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर, और वो कुछ KB की थी। मैंने डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद मैंने उसको एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में, जो कि विंडोज 10 प्रो में सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट देता है, जिसमें कि आप एक्सप्लिसिटली कोई भी वायरस ट्रोजन हो उसमें आप चलाएंगे तो आपका सिस्टम को वो अफेक्ट नहीं करता है, आपके सिस्टम पर अटैक नहीं करता, उस एक लिमिटेड एरिया में चलता है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, मतलब एक ठोस, आपके घर में एक छोटा सा घर बना दिया, उसमें जो भी आप गलत काम करना चाहते हैं, जो भी हैकिंग से रिलेटेड वो कर सकते हैं, पूरे घर को अफेक्ट नहीं करेगा। तो वहाँ पे मैंने किया, और वहाँ पे मुझे जब मैंने उस सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा था, बस बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जा रही थी, टास्क मैनेजर में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस। उसके बाद मैंने इससे बोला कि क्या आप कुछ स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं आपका सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, क्योंकि मैं तो देख नहीं पा रहा था, तो मुझे पता था ये कुछ भेजने वाला नहीं है सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट, क्योंकि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर उसके पास है ही नहीं, ये बस एक ट्रैप था, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, मैंने देखिए यहाँ पे मैंने उसको मेल किया था 6:13 शाम को, 6:13 में 19 नवंबर को, और उसके बाद मैंने सेकंड जो इसको रिप्लाई किया वो था 21 नवंबर को, 2 दिन का टाइम दिया मैंने, सुबह 8 बजे जब मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ, उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई किया कि भाई अभी तक क्या आपका स्क्रीनशॉट तो आया नहीं, ये रियल में ट्रोजन ही था, है ना, जो प्रोसेस बैकग्राउंड चला रहा था, बट कोई बात नहीं, मैंने एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में इसको चलाया था। बस उसको तो ये मेल मिला होगा, उसने मेल देखा होगा और वो सोचा होगा ले हमारी सोशल इंजीनियरिंग और ये ट्रैप फेल हो गया। बट वो बंदा इतना ज़्यादा मेहनती है, यहाँ भी रुका नहीं। अब वो बंदे ने क्या किया मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सेकेंड मेल उसका आया दूसरे नाम दूसरे मेल आईडी से, चलिए हम देखते हैं पहले उसको। थोड़े ही दिन बाद मेरे को एक दूसरा मेल आता है, और ये भी स्पॉन्सर्ड मेल होता है, और ये जो आता है 26 नवंबर को आता है, रात को 12:41 AM पे, और इसमें लिखा था कोलैबोरेशन ओरियो एंड टेक्निकल नेविगेटर, इसमें है जेम्स ओवेन आते हैं, केविन के जगह पे जेम्स ओवन आते हैं। आई हैव अ गुड सजेशन, दे भाई सजेशन, टुडे आई सॉ योर यूट्यूब चैनल, आई रियली लाइक इट, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत लोग लाइक करते हैं। उसके बाद इसने मेरे को बताया कि आपका यूट्यूब चैनल जो है हम उस पर ऐड चाहते हैं, और उसके लिए स्टार्ट जो है हमारा, जो हम पैसे दे सकते हैं वो $200 है, प्राइस में चेंज, ठीक है ना। उसके बाद ये बोलता है वी क्रिएट अ प्रोग्राम दैट क्लीन्स योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेज, ये बोलता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि वायरस
क्लीन करता है आपके सिस्टम को, और इसका हम ग्लोबल अपडेट कमिंग सून और ये सब फलान ढिकाना कर रहा था, और ये सब बोलता है कि मुझे एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाना है। उसके बाद ये अपना पूरा एक डेजिग्नेशन पूरा देता है फलान ढिकाना। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई किया, रिप्लाई किया प्लीज़ सेंड मी द लिंक एंड द प्रोसेस टू फॉलो अप आफ्टर दैट। ठीक है, लिंक बताइए मुझे, क्योंकि मुझे शक तो पहले से था, फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मज़े करते हैं। उसके बाद ये जो मैसेज आप देख रहे हैं गाइज, वार्निंग वाला, ये उस टाइम में नहीं आ रहा था। मे बी इसने काफ़ी ज़्यादा अटैक्स जो है काफ़ी लोगों को ऐसे मेल किए होंगे, काफ़ी यूट्यूबर्स को या काफ़ी लोगों को, जिसकी वजह से इसको रिपोर्ट किया गया होगा। उसके बाद गूगल जो है, या फिर गूगल की जो ऑटोमेटिक जो एआई है, वो इसको डिटेक्ट कर ली, और ये इसको पता लगा ली कि इट कंटेन्स लिंक्स टू वेबसाइट्स होस्टिंग मेलवेयर। ठीक है ना, ये तो अब आ चुका है, ये पहले नहीं आ रहा था। तो पहले मुझे ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा इसका मज़ा लेना ही था, तो मैंने इसको जब मेल किया ये, तो ये देखिए क्या मुझे मेल करता है, वी डू नॉट वॉन्ट टू लिमिट यू एनी वे। उसके बाद ये बोलता है कि ऑन योर आई थिंक इट विल बी मोर देन 550 से 1000 डॉलर, इट्स नॉट मी हु डिसाइड्स। ये मुझे 550 से 1000 डॉलर दे सकता है बस एक छोटे से एडवर्टीजमेंट वीडियो के लिए, जो मुझे आज तक कभी मिला नहीं और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो उसके बाद बोलता है ये साइट है क्लीन, ये वाली क्लीनर्स जो भी है, क्लीनर ओरियो डॉट एस यू, ठीक है, ये साइट है, इस पर जाइए, उसका डाउनलोड द प्रोग्राम, इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, गेट एक्वेंटेड विथ इट, थ्रो मी ए स्क्रीन शॉट दैट यू आर इन अ प्रोग्राम वेयर योर यूट्यूब चैनल विल ओपन इन द बैकग्राउंड सो दैट आई कैन मेक श्योर दैट यू आर लॉग्ड इन टू द सॉफ्टवेयर। बताइए, मतलब ये पागल लोग अटैक तो कर रहे हैं, प्राइम आ रहा है, बट गलत बंदे के पास मेल कर दिया, और ये बोल रहा है कि आप इस सॉफ्टवेयर को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अपने सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में, और लैपटॉप में उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजिए कि आपने इंस्टॉल कर लिया है और यूट्यूब चैनल बैकग्राउंड में ओपन होना चाहिए। मतलब ये पूरा कंफर्मेशन चाहते हैं कि मैंने खुद ही वायरस को एग्जीक्यूट कर भी लिया और मैं अपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करवा के उसकी ऐसी तैसी करा ली। मतलब क्या बात है यार, सोशल इंजीनियरिंग स्किल सही है, बट इतना मतलब इतना मत थ्रो ऑफ करना चाहिए, इतना मत शो ऑफ करो कि सामने वाले को शक होने लगे। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट सिंस द प्रोग्राम इज इन बीटा, दिस डज नॉट वर्क स्टेबली, बीटा में है तो वो स्टेबल वर्क नहीं करेगा, और फिर आप अपनी एंटीवायरस को डिसेबल कीजिए ना पहले, करने के पहले, ओनली फॉर द फर्स्ट लॉन्च, उसके बाद तो ये बाकी काम कर ही देगा। वायरस है, एक बार आपने एंटीवायरस डिसेबल किया इसको, उसके बाद ये बाकी काम कर देगा, बाकी मल्टीपल अलग अलग प्रोसेसेस, मल्टीपल अलग अलग चीजों को एग्जीक्यूट कर देगा, बस यही रहता है, सब ट्रोजन लॉन्च कर देगा, बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो ये पहली बार के, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने एक चीज करने के लिए, मैंने इसको टच करने के लिए कि ये क्या एक्चुअली मैं आखिर अब आगे क्या चाहता है, मैंने इसको बोला लेट मी टॉक वन थिंग, लेट मी टेल वन थिंग, वो था आई हैव ऑलरेडी बीन सीन दीज थिंग्स एंड वी डोंट वर्क लाइक दिस, काइंडली मेक द स्पॉन्सरशिप पेमेंट ऑफ $200 एटलीस्ट फर्स्ट टू माई पेमेंट, देन ओनली आई कैन प्रोसीड फर्दर फॉर एनी एक्टिविटी, अदरवाइज आई एम सॉरी फ्रॉम माई सर। अब मैंने ये मेल उनको इसलिए करा क्योंकि मैं मुझे पहले से शक तो था ही, अब मैं चाहता था कि ये मुझे पागल बना रहा है, चलो इससे हम खुद पागल इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला $200 पहले डाल, उसके बाद ही मैं आगे कुछ प्रोसीड करूंगा, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, देखो इसको पता है कि मुझे थोड़ा शक हो रहा है मे बी, ये मुझे बोलता है दैट आई वॉज एबल टू सेंड यू एटलीस्ट अ कपल ऑफ सेंड्स, आई हैव टू गो थ्रू द मैनुअल एंड गेट परमिशन टू गेट इट, आई मस्ट फर्स्ट गेट अ स्क्रीन शॉट फ्रॉम, मतलब मुझे पहले तुम्हारा हैक्ड लैपटॉप देखना है, उसके बाद ही आपको मैं पैसे दूंगा, ये ऐसे बोल रहा है, उसके बाद ही मैं आपको पेमेंट करूंगा। मैंने इसको बोला सॉरी, उसके बाद ये बोलता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ भाई, आप अपने लैपटॉप को खुद नहीं हैक करोगे, खुद नहीं हैक करवाओगे, अरे यार हम हैकर्स हैं, हम आपके ऊपर सोशल इंजीनियरिंग कर इतना कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ हैक करवा लो ना, काफ़ी मेल कर रहे हैं आपको, एक बार तो सुन लो हमारी। ये मतलब बेवकूफ़ जेम्स ओवेन जो भी है, इसने ऐसे मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। तो अब क्लियर जो भी है, ये वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट भी ओपन करता हूँ, क्लीन क्लीनर ओरियो, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लीनर ओरियो, और यहाँ पे अब कुछ और है, पहले कुछ और था अब कुछ और है, यहाँ देख सकते हैं गाइस, पहले इस वेबसाइट पे कुछ और थी अब कुछ और है। इसकी भी मैं हुईज इन्फॉर्मेशन अगर आपको चेक करवाऊँ यहाँ पे क्लीनर ओरियो की, तो आप हुईज इन्फॉर्मेशन में आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी बिगेट एस यू, ठीक है, इसमें भी सेम ईमेल आईडी जो एलेगिस डॉट एस यू में थी, और इसका भी क्रिएशन डेट था जो क्रिएटेड था ये अक्टूबर मंथ में, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ये सारी कहानी। यहाँ पे ये बंदे यहाँ ही नहीं रुके, ये टीम हो या जो भी हो यार, एक पर्सनल इंसान हो जो भी हो, यहाँ पे ही ये नहीं रुके, अब आपको बताता हूँ आगे क्या होगा। उसके बाद गाइज मुझे आता है एक मेल, रॉन फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक होंगे शायद, ये आते हैं 27 नवंबर को रात को 11:30 में, ये शायद रात में ही वर्क करते हैं, ये रात में नाइट शिफ्ट करते होंगे, तो नाइट शिफ्ट में 10 बजे से लेकर सुबह तक का टाइम होगा इनका, तो रात में ही सबको फंसाने का काम करते होंगे। और विल कलर डॉट रैन एट जो भी है बोलते हैं, ये देखो ये थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, माई नेम इज़ रयान, आई एम रिप्रेजेंटेटिव द एडवर्टाइजमेंट कंपनी विल क्रिएट गेमिंग, जो भी गेमिंग, ये भी गेमिंग वाला अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं,
We are interested on your YouTube channel. We have thoroughly studied the status of channel. We are ready to offer you pre-roll 20 से 30 सेकेंड वीडियो के लिए मुझे $920 दे रहा है और स्मॉल रिव्यू ऑफर एप्लीकेशन के लिए बस 1.5 मिनट का $1,090। ये जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अभी इस इतना मतलब एडवर्टीजमेंट के मिल जाएंगे, ये मुझे मेल करता है। मैंने इसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैं देखना चाहता था कि अब आगे ये कुछ करते भी हैं या नहीं करते हैं या फिर अब ये भी हार मान जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं यू आर सेटिस्फाइड प्लीज़ राइट टू अस, दिस ईमेल इज़ नॉट स्पैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ खुद ही लिख दो, खुद ही सब कुछ कर दो। ठीक है, मैंने इनको रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने सोचा अब ये मान जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये बंदा फंसने वाला नहीं है, ये फिर भी नहीं माने। ठीक है, अब नेक्स्ट मेल दिखाता हूँ। सो ये वहाँ नहीं माने और उसके बाद मुझे एक और मेल आता है 4th of December को। देखो मतलब ये ट्राई पे ट्राई मार रहे हैं, करना चाहिए, अगर आप एक अटैकर हैं आप तो आपको ट्राई मारते रहना चाहिए जब तक कि सामने वाला ना फंसे। बट ऐसे भी इंसान पर नहीं मारना चाहिए जो आपको पता चल जाए कि हाँ ये तो हाथ नहीं आने वाला। आप गुड सजेशन, सब सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, इस बार लड़की का यूज़ किया, केट वोमेन, मतलब उसकी बहन होगी केट वोमेन, जो वोमेन इसके पहले ने मुझे मेल किया था। टुडे सॉ यूट्यूब चैनल, आई रियली लाइक इट वेरी मच, ये वो फलान दिखाना, कैन वी ऑर्डर कमर्शियल विद एड्स एवरीथिंग ऑन यू, और प्राइस स्टार्ट फ्रॉम $100, एक्स्ट्रा चार्ज इज ऑल्सो पॉसिबल, द प्राइस में चेंज, वी क्रिएटेड अ क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म और गेमिंग 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 बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, ये फलाना ठिकाना, जो भी आप पढ़ लीजिए, इतना टाइम नहीं है। उसके बाद मैंने इसको बोला काइंडली सेंड मी योर सॉफ्टवेयर लिंक फर्स्ट, आई विल हैव एन ओवरव्यू फर्स्ट, देखें। उसके बाद बोलता है हेलो अगेन, आवर साइट इज ये देखिए, इसके भी साइट में ओपन करता हूँ, आई एम श्योर इसके भी साइट देखिए कैसी चेंज हो गई होगी। ओह, इसकी साइट अभी भी वर्क कर रही है गाइज, बहुत बढ़िया। और यहाँ ये साइट है, ठीक है ना, प्ले नाउ डाउनलोड मंथली सब्सक्रिप्शन 9.89 यूरोज जो भी है, और ये साइट इसने भेजी थी मुझे तो vengo.com। अब क्या करेंगे आप, जब इस साइट पे इसे प्ले नाउ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे polls.su और setup.exe एक फाइल, और ये 650 MB की हो चुकी है, मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, setup.exe फाइल ही है, बट इसका साइज इंक्रीज किया इन्होंने, इसमें कुछ भी कोई एक सॉफ्टवेयर एम्बेड किया होगा ताकि इनको, जो मैंने मेल किया था कि आपकी साइज काफ़ी छोटी है सॉफ्टवेयर की वगैरह वगैरह, बस कुछ KB किया, इनको लगा होगा इसमें कुछ एम्बेड कर देते, बड़ा सॉफ्टवेयर एम्बेड किया ट्रोजन के साथ, और उन्होंने अब इस पर अपलोड कर दिया। यहाँ पे एक मंथली सब्सक्रिप्शन है, फिर भी इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड आराम से हो रहा है बिना किसी साइन अप कुछ भी नहीं है। और इसका अगर मैं हुईज इन्फॉर्मेशन आपको चेक करके दिखाऊं तो यहाँ पे vengo.com जो भी है, तो इसका रजिस्टर थोड़ा सा अलग कर लिया जो भी है। क्रिएशन डेट जो है आप देखिए यहाँ पे रजिस्टर ऑन 11, मतलब नवंबर में रजिस्टर हुआ है ये, लास्ट ऑफ नवंबर में। और ये रहे इसके डिटेल्स कुछ कुछ यहाँ पे, जो कि ऑब्वियसली फर्जी होंगे, और ये इस तरह से इन्होंने इस मेल के थ्रू मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। ठीक है, डू यू एग्री टू कोऑपरेट विथ अस, बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे आपको हम खुद को हैक करने में, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि अब तो मान जाओ भाई, बट सरप्राइजिंगली अब देखिए। उसके बाद मुझे गाइस फिर से मेल आता है 10 दिसंबर को, 3 दिन पहले की बात है, एंड गुड डे फ्रेंड, फिर से जेम्स ओवेन है। यहाँ देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड फिशिंग, गूगल इसको डिटेक्ट भी अब कर रहा है, पहले तो नहीं कर रहा था, अब गूगल ने अब ये सब करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, यूजिंग सिमिलर, ओके, आई हैव गुड ऑफर फॉर यू टुडे, आई सॉ योर यूट्यूब चैनल, आई लाइक, $200 मुझे दे रहे हैं, और मैं जो है रिप्लाई कर करके थक गया था तो मैंने रिप्लाई देना ही बंद कर दिया। मैंने सोचा अरे रुक जा भाई, ये देखिए आई विल गिव यू अ लिंक टू अ बेटा वर्जन टू द नेक्स्ट लेटर, इन द नेक्स्ट लेटर ऐसे वैसे स्पैम फोल्डर में ना जाए, ये सब कर रहे हैं। उसके बाद अभी ये मैंने सोचा अब तो रुक जा, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, लास्ट आपकी टाइम ले रहा हूँ, देखते जाओ। उसके बाद मुझे ये जो लास्ट मेल अभी रिसेंटली आया, कब आया, 12th of December, यानी कल आया था मुझे रात को ही, रात को ही करते हैं मेल, मैंने बोला ही था 10:27 PM। वी आर रेक्टी वीपीएन, रेक्टी पैक्टी टेक्टी जो भी है वीपीएन, हिट मार्केट इन 2019 में इन्होंने मार्केट को बहुत जोर से हिट किया था। दिस मीन्स दैट वी डू नॉट स्टोर लॉग्स, मतलब इन्होंने 2019 में हिट किया था, इसका मतलब ये है कि ये स्टोर नहीं करते लॉग्स को, एंड डू नॉट ट्रैक योर विजिट्स। क्या यार क्या बात है ये, वी आर रेडी टू पे यू $500 फॉर एडवर्टाइजिंग दैट विल कंटेन कंटेंट ऑफ आवर स्टैंडर्ड वीपीएन सच एज डबल वीपीएन, P2P, इन्होंने भी लगता है सीख लिया कहीं कहीं से ये टर्म्स, डबल वीपीएन, P2P, टॉर ऑनियन एंड अदर फ्रॉम योर चैनल। ठीक है ना, $500 देंगे मुझे, चलो $500 यार, ऐसे काश रियल जेन्युइन आते तो कितना मजा आता, कुछ जेन्युइन सर्विसेज के आते और कुछ जेन्युइन चीज़ होती तो एक अलग ही फीलिंग होती है, बट मुझे पता था ये क्या है, ये तो डेडपूल वाली एक्टर की तरह कर रहा था। हेलो, इन द लास्ट लाइन यू सेड यू हैव ऑलरेडी पेड, क्योंकि इसने मुझे बोला था वी ऑलरेडी पेड फॉर टेस्टिंग द वीडियो टू चेक द क्वालिटी। ये देखो क्या मतलब, ये सोच रहा है कि कहीं भी कुछ भी पे करके बोल दूंगा मेल में, ये समझ जाएगा। मैंने इसे पूछा भाई कहाँ पे किया ये तो बता जरा, फर्स्ट काइंडली सेंड मी द लिंक ऑफ यू वीपीएन। ठीक है, उसका ये तुरंत मुझे रिप्लाई बैक करता है, कितने बजे, 10:40 में,
हाय, हियर इज द लिंक ऑफ द वीपीएन, मैं इसको भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ. विल नॉट रिकॉर्ड अ टेस्ट वीडियो सो दैट वी डाइन आउट दैट एवरीथिंग इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड वर्क्स वेल आफ्टर वी थ्रू ऑफ योर रीपेमेंट $250. डू यू अग्री ऑर्डर? बोलो पहले टेस्ट वीडियो भेजिए, 250 दे दूंगा, उसके बाद आपको 250 दे दूंगा, ठीक है ना. तो और उसके बाद ये बोला हियर इज अ वीडियो फॉर वन ऑफ आवर कस्टमर्स. इसने एक वीडियो एम्बेड करके भी भेजा है 1.3 MB का MP4 वीडियो. आपको पता हो गाइज, MP4 एक्सप्लॉइट्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर हो चुका है. यानी कि अगर आप इस एक्सप्लॉइट को .MP4 फाइल को जैसे ही प्ले करेंगे VLC में या किसी भी प्लेयर में, आपका जो बैकग्राउंड में ट्रोजन है वो लॉन्च हो जाएगा और आपका पूरा सिस्टम अटैकर के कंट्रोल में होगा और अटैकर उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है आपके सिस्टम को. तो कभी भी ऐसी अनसेफ, अनसिक्योर, अननोन वीडियोज़ को जो आपको मेल अटैचमेंट्स में या कोई व्हाट्सएप पर कहीं भी भेजे, तो आप उसको डाउनलोड करके प्ले ना करें. व्हाट्सएप पे ऑटो मीडिया जो डाउनलोड होता है उसको ऑफ करके हमेशा रखें. उन्हीं फोटोज को, उन्हीं पीडीएफ्स को, उन्हीं वीडियोस को डाउनलोड करें जो आपको लगता है जेन्युइन है, जेन्युइन पर्सन ने सेंड किया है. अदरवाइज ना करें, वरना आपका पूरा फोन, आपका पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में हो जाएगा चुटकियों में, ठीक है. यह वेबसाइट अभी भी काम कर रहा है, क्रिएट प्योर वीपीएन. चलिए अब मैं स्टार्ट नाउ करूंगा ना, यहां पे फिर कुछ ना कुछ ये डाउनलोड ही करेगा. स्टार्ट नाउ anonflow.com, ठीक है. ये वेबसाइट इस पे रिडायरेक्ट कर रहा है anonflow.com. उसके बाद क्या डाउनलोड हो रही है यहाँ पे, setup.exe, ठीक है. सेम फाइल आपको दिखा दी गाइस, 670 MB की. तो इन फाइल्स को अब डाउनलोड तो नहीं कर सकते, बट अब वायरस टोटल पे डाउनलोड करके अपलोड करेंगे तो आपको वायरस वो शो कर देगा. तो यहाँ पे इसको भी मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, इस होप में कि अब आगे तो मेल नहीं आएगा, बट फिर भी आ गया तो मुझे नहीं पता. सो गाइस, ये बंदे कौन है, ग्रुप है, पर्सनल अटैक है या फिर ग्रुप अटैक है, यूट्यूबर्स के लिए है या सबके लिए है, सोशल इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस जो करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए है, क्योंकि वो काफ़ी लोग जो है जिनको साइबर सिक्योरिटी की आइडिया नहीं है, वो आराम से इस वीडियो को तो एटलीस्ट डाउनलोड कर लेंगे देखने के लिए एक्चुअली में क्या है, और नहीं तो इस setup.exe डाउनलोड करके एक बार चेक तो जरूर करेंगे कि आखिर क्या है, और चेक करने के चक्कर में उनका पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. वीडियो काफ़ी लंबी बन गई गाइज, मुझे पता है, बट वर्थ वॉचिंग है. आप जरूर देखिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि बहुत सारा अवेयरनेस जाए. और कभी भी ऐसा काम ना करें, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, आप कोई भी एक ऐसे इम्पैक्टर हैं जो आप सोसाइटी को कुछ बताते हैं या कुछ इन्फ्लुएंस आपका रहता है, तो ऐसी चीज़ों को आप कभी भी डाउनलोड और कुछ जो भी आपको ये दे रहा है, आपको जो भी आपको बोलता है कि $500,000 देंगे, तो इस चक्कर में कभी भी ऐसी चीज़ों पर क्लिक ना करें, क्योंकि वो पैसे तो आपको कभी ज़िंदगी में मिलेंगे नहीं, साथ में आपको उतने का चूना ज़रूर लग सकता है. सो गाइस, वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई. मेरे को काफ़ी टाइम से शेयर करना था जब से ये कर रहे हैं, बट आज मुझे टाइम मिला, मैंने शेयर किया. वीडियो को बस शेयर कर दो गाइस, बस इतना ही मैं बोलूँगा. एंड अपने जो प्यार है उसको बनाए रखो. नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी कुछ अच्छे टॉपिक पे, एंड हम उसी टाइम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.